चलिए अब इसका कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या रिटर्न मिलता है, कितना लॉक इन है, ये सब भी एक बार देखना जरूरी है। लेकिन अगर ईएलएसएस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5.45 करोड़ रुपीस। ये दोनों ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप टोटल 64-65 हज़ार रुपए का टैक्स सेव कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गिरधर। अगर आपको कोई बोले कि आपको 12-15% का रिटर्न मिलेगा, साथ साथ में आपका टैक्स सेविंग भी होगा, कितना टैक्स सेविंग, 65 हज़ार रुपए का हर महीने, कैसा लगेगा आपको? क्योंकि आजकल जितने भी टैक्स सेविंग के मेथड है ना, आपको उसमें 5-6% 7% का रिटर्न मिलता है जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है। लेकिन आज हम कुछ हटके डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको डबल फायदा मिलने वाला है, ठीक है? वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई, अगर आपका टैक्स कट रहा है तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे पहले ये समझ लेते हैं कि कितने टाइप के टैक्स सेविंग मेथड्स अवेलेबल है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और जिसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत आसानी से टैक्स सेव कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहला है बैंक एफडी, जो कि कोई ऑलमोस्ट नहीं कराता है। दूसरा बात करते हैं पीपीएफ, ये काफी पॉपुलर है। प्रोविडेंट फंड, जो आप जहां पे भी सर्विस करते हैं तो प्रोविडेंट फंड कटता ही है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पीपीएफ वर्सेस ईएलएसएस, इसके अंदर किस में ज्यादा फायदा है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते, इसको भी यूज नहीं करते, आई थिंक इसको भी मोस्ट ऑफ लोग यूज नहीं करते, इसको भी नहीं करते। इसके बाद और एक है ईएलएसएस, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ ईएलएसएस की बात नहीं करेंगे, आज आपको एक डबल धमाका बताने वाला हूं जिसमें आपका एक्स्ट्रा टैक्स सेव होने वाला है। और इसके बाद और एक है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। तो इतने जो पॉपुलर ऑप्शन है, एक पॉपुलर ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जनरली सेव करते हैं, सेफ्टी भी बनी रहती है और यहाँ पे रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। चलिए अब इसका कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या रिटर्न मिलता है, कितना लॉक इन है, ये सब भी एक बार देखना जरूरी है। देखिए, लॉक इन पीरियड क्या दर्शाता है, आपकी लिक्विडिटी दर्शाता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब कि आपका पैसा कितना लिक्विड है, कितना टाइम पे आपको इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा जब आप जरूरत होगा। अब यहां पे देखिए, ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के अंदर में 15 साल का लॉक इन पीरियड है। रिटर्न कितना है, 7.1% और टैक्स ट्रीटमेंट नील, मतलब आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। जब भी आप पैसा निकालोगे तब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, जितना भी गेन होगा। इसके बाद कौन सा है, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस, जनरल लोग यूज नहीं करते हैं, इसमें भी सेम है, 15 साल का लॉकिंग है, 7-8% रिटर्न मिलता है और जो भी कैपिटल गेन होगा उस टाइम पे उस पर टैक्स लगेगा। 5 साल का बैंक एफडी, 5 साल का लॉकिंग है, इसके अंदर 6-7% रिटर्न मिलता है। इंटरेस्ट इनकम, जो भी इंटरेस्ट आपने गेन किया उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल का लॉक इन है, 7.4% का रिटर्न है और इस पे भी जो भी इंटरेस्ट आप कमाएंगे उसके ऊपर लगेगा। अब ये दो चीज आप समझिए ध्यान से। ईएलएसएस में लॉक इन है 3 साल का, सिर्फ 3 साल का, सबसे कम लॉक इन ईएलएसएस के अंदर है। मार्केट लिंक्ड है, यानी कि इक्विटी के साथ लिंक्ड है। इसमें से कोई भी ऑप्शन इक्विटी के साथ लिंक नहीं है, लेकिन ये इक्विटी के साथ लिंक्ड है। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, मतलब कि जो स्टॉक्स होते हैं वो, और इस पे जो भी कैपिटल गेन आप जमा करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। इनकम, जो भी आप कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन कितना लगेगा, 10%। लेकिन आप यहां पे फायदा क्या ले रहे हैं, आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर सीधा आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। और एक है एनपीएस, एनपीएस के अंदर आप 60 की एज तक पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? तो ये एक रिटायरमेंट स्कीम है जहां पे आप 60 साल की एज तक पैसा नहीं निकाल सकते अगर आपने डाल दिया, लेकिन अगर जो भी पैसा आप डाल रहे हो वो टैक्स फ्री हो जाता है। मार्केट लिंक्ड है, ये भी इक्विटी बेस्ड है, मतलब यहां पे भी पैसा आपका इक्विटी के अंदर जाने वाला है और इसमें भी जो भी इंटरेस्ट आप कमाओगे उसके ऊपर आपको टैक्स फाइनली भरना पड़ेगा। तो आपको यहां पे इतना तो समझ आ ही गया है कि जो ईएलएसएस है वो डबल फायदा देगा, टैक्स सेविंग भी करेगा और वेल्थ क्रिएट भी करेगा। अब थोड़ा सा आगे आपको लेके चलता हूं। देखिए, यहां पर सिर्फ ईएलएसएस की बात नहीं है, एक डबल धमाका है, तो उसको थोड़ा सा देखिए, समझिए। पहले ईएलएसएस की बात करते हैं कि ईएलएसएस इतना खास क्यों है। तो ईएलएसएस के अंदर आप 1.5 लाख तक पैसा डाल सकते हैं, सालाना आप 46,800 रुपए का टैक्स सेव कर सकते हैं। अब तो आप देखेंगे कि 46,000 तो यहां पे ही हो गया, अब हम बात करेंगे 65,000 की, तो बाकी का 15-17,000 कहां से आएगा, तो वो भी बात कर लेते हैं। पहले ईएलएसएस समझ लेते हैं। तो एक तो आप यहां पे इतना टैक्स सेव कर सकते हैं, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले 10 साल का रिटर्न, एवरेज रिटर्न अगर बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का 14% का रिटर्न है। लॉक इन पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट है 3 साल का,
और इसके बाद इजी टू इन्वेस्ट है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है एकदम इजीली तरीके से, एक ऐप के थ्रू कर सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न कंपैरिजन कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पीपीएफ और ईएलएसएस ये दोनों को रिटर्न कंपेयर करते हैं तो क्या नतीजा आता है। देखिए यहाँ पे मैं 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं हर मार्च महीने के अंदर 1996 से, मतलब आज से करीबन 30 साल पहले से हर मार्च महीने में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों में, पीपीएफ में भी कर रहा हूं और ईएलएसएस में भी कर रहा हूं। तो पीपीएफ में टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा हो जाएगा 27,00,000 और मुझे जो 2022 के अंदर जब पैसा निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 92,000 रुपए, ये 2022 तक का डेटा है। लेकिन अगर ईएलएसएस की बात करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा 5.45 करोड़ रुपीस। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है और जो रिटर्न मिला आपको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मिलता है ईएलएसएस के अंदर पीपीएफ के मुकाबले। अब हम बात कर रहे थे कि 15,000 बाकी का टैक्स कहां से आएगा, ठीक है ना। 80CCD के अंदर 50,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो आप यहां पे टैक्स क्लेम कर सकते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है एनपीएस। एनपीएस के अंदर अगर आप 50,000 रुपए डालेंगे तो यहां पे भी आपको टैक्स बेनिफिट होगा 15,600 रुपए का। अब एनपीएस क्या है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पे देखिए एनपीएस भी इक्विटी लिंक्ड है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहां पे 3 टाइप के प्लान आते हैं, मतलब बेसिकली 2 टाइप के, एक एक्टिव चॉइस है, एक ऑटो चॉइस है। ऑटो चॉइस कैसे काम करता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है उस हिसाब से वो सेफर प्लान में चला जाता है। अब इसके अंदर 3 प्लान है, एक एग्रेसिव प्लान है जहां पे 75% पैसा आपका इक्विटी के अंदर चला जाएगा, मॉडरेट प्लान है उसमें 50% पैसा, और कंजर्वेटिव प्लान में 25% पैसा आपका इक्विटी में रहेगा। तो मान लीजिए आपकी एज अभी कम है, 20-25 साल 30 साल है, तो आपका एग्रेसिव प्लान रहेगा जिसमें आपका 75% पैसा इक्विटी में रहेगा, तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी यहां पे कंजर्वेटिव प्लान में आप चले जाएंगे और आपको एक सेफ्टी प्रदान होगी आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये देखिए पिछले 10 साल का एनपीएस का रिटर्न यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं। ये सारी एनपीएस की स्कीम है जो यहां पे दिखाई गई है। अगर आप 3 साल 5 साल 10 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे, देखिए 3 साल के अंदर ऑन एन एवरेज 14-14.5% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर 10-11% का रिटर्न है, 12% का, और 10 साल का अगर एवरेज निकालेंगे तो 12-13% का ऑन एन एवरेज रिटर्न एनपीएस स्कीम ने दिया है, जहां पे आप इजीली 15,000 रुपए का टैक्स सेविंग एडिशनली कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए एक बंदे की बात कर रहे हैं, 7,500,000 रुपए सैलरी है, ठीक है ना, यहां पे 2 जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, एक ओनली ईएलएसएस फंड है और एक ईएलएसएस प्लस एनपीएस है, और यहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर रहा है, मतलब टैक्स सेविंग के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो उसका नेट टैक्सेबल सैलरी कितना हो जाएगा, 7,00,000 रुपए, यानी कि 2,00,000 के ऊपर उसको वापस टैक्स देना पड़ेगा। अगर ईएलएसएस में जाता है तो उसको स्ट्रेट अवे डिडक्शन मिलता है 80C के अंदर, जहां पे उसका 1,50,000 रुपए माइनस हो, मतलब कि 1,50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए ईएलएसएस के अंदर तो आपको यहां पे बेनिफिट मिल जाएगा और आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा वो 5,50,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनपीएस के अंदर भी 50,000 रुपए ऐड करते हैं यहां पे 80CCD 1B के अंदर में, तो आपको एडिशनल और 50,000 का बेनिफिट मिलेगा और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 5,00,000 रुपए, यानी कि आपको 0 टैक्स पे करना। तो इस हिसाब से आप अगर ईएलएसएस प्लस एनपीएस ये दोनों ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहां पे आप टोटल 64-65,000 रुपए का टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है या आप अभी भी पैसा दे रहे हैं टैक्स के अंदर, तो आप इस इन्वेस्टमेंट के जरिए अपना पैसा भी बचा सकते हैं, साथ साथ में आप इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी एक वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों का फायदा यहां पे मिल रहा है, वेल्थ भी क्रिएट हो रही है और आपका टैक्स सेविंग भी यहां पे हो रहा है। ज्यादातर एप्लीकेशंस के अंदर एनपीएस अलग से करना पड़ता है, लेकिन आप एसेट प्लस के थ्रू करेंगे तो आपका ईएलएसएस में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और एनपीएस में भी एक साथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं, नीचे आप हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, और ऐप के थ्रू अगर ज्वाइंट होते हैं तो ऐप के अंदर भी आप हमें चैटिंग के साथ बात कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में। आशा है कि आपको इस वीडियो का कंटेंट मजेदार लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं और कोई नई वीडियो में, तब तक स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।